अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल रहमान फिट्स व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गे को चूज़ों को पहले फिट क्या देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो उसके लिए अच्छी हो और अच्छी ग्रोथ पकड़ देता हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ ये इस मादी के 5 चूजे निकले थे माशाल्लाह से, आप देख सकते। तो अब आप लोगों को के सामने मैं इसको देता हूँ, आप लोग भी इस तरह ए फर्स्ट की फीड ही दिया करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसके लिए बहुत अच्छी और मुफीद चीज़ है। इससे तो एक इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और दूसरा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिस तरह फीड वगैरह का है। ठीक है दोस्तों, तो फीड से अगर आप पहले दिन पे ये चीज़ें दिया करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो है तो ज्वार का आटा है। ठीक है, उस पर मैंने थोड़ा पानी डाला है और उसको गूंद लिया है। गंदम का आटा जो है वो इसके लिए नुकसानदेह, तो आप वो ना दिया करें। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको कॉर्न फ्लोर कहते हैं और उर्दू में इसको ज्वार का आटा कहते हैं। तो ये आपने अपनी चूज़ को डे फर्स्ट की फीड देनी है, तो मैं आप लोगों के सामने से देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, या अगर आप अपने चूज़ को देंगे तो इससे ग्रोथ अच्छी पकड़ते हैं और वज़न बढ़ाने के लिए भी ये बहुत मुफीद चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अपनी चूज़ को लाजमी दे डे फर्स्ट पर। इसके साथ चूँकि अभी गर्मी है दोस्तों, तो गर्मी में जो है अपने पानी में एक दिन ग्लूकोज और एक दिन ORS, एक दिन के गैप से अगर आप दें या हर दिन दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन इस तरह आप लोगों ने देनी है और कोशिश करें कि जब आपका चूज़ा एक दिन से एक महीने के दरमियान हो तो उसको दिन में 3 टाइम फीड दिया करें, और जब वो एक महीने से ऊपर हो जाए तो फिर उसको 2 टाइम दिन में जो है आप फीड दिया करें। इससे क्या होता है कि वो अगर आप हर टाइम दाना पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा कि उसे वो फिर शौक़ से नहीं खाएगा, तो उससे फिर हो सकता है कि आपका चूज़ा बीमार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो ये आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को पहले दिन के जो चूचे होते हैं उसके फीड के बारे में बताया जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो नए शौकीन होते हैं तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, जो हमारे पुराने शौकीन हैं उनको तो पता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।